ये देखिए जीसा, किसकी फोटो चुरा कर ये अपने दुपट्टे से बांध के रखी थी। वो तो अच्छा हुआ जीसा कि मैंने देख लिया, नहीं तो ये दहेज दासी ना आज घर पे कांड करा देती। ऐसी बात ना है गोरसा, ये फोटो मैंने हवेली में ही मिली थी। सोचा था एक बार पुरोहित चले जाए, उसके बाद आपसे ही पूछूंगी कि कौन है जी। क्योंकि मैंने इन्हें हवेली में साक्षात देखा था। Are you mad? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सुनिए, अगर ये तुम्हारा कोई मजाक है तो याद रखना कि किसी की भावनाओं के साथ खेलना मजाक नहीं होता है। नहीं कोसा, कसम से मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें देखा है। तभी फोटो देखते ही पहचान लिया था मैंने इन्हें और फोटो अपने पास रख ली थी। सुनैना, तुमको कहे हुए 2 साल हो गए इस घर से, फिर तुमने उनको इस हवेली में कैसे देख लिया? कोसा, मैंने अच्छे से याद है, मैंने इन्हें ही देखा था। हाँ, उस दिन यही मिली थी मुझे। जय, तो बेकार ही इस छोरी की बातों में आ गया, जानता ही है ना, जब देखो ये बकवास करती रहती है। खुद सोचना, 2 साल पहले सुनैना जी गांव छोड़कर चली गई, अचानक अटे हवेली में कैसे हो सकती है? और अगर हवेली में आई भी है तो ये चोरी छिपे थोड़ी ना आएगी वो। सोचना जय, ये छोरी जो बकवास करती रहती है, थारी भावनाओं के साथ खेलती रहती है, करीब आना चाहती है ना, बस मौका ढूंढती रहती है ये जय। मुमकिन नहीं है कि सुनैना अटे हवेली में है जय। अगर तुम सच्ची हो चुनरी, तो साबित करो कि सुनैना दीदी को तुमने इस हवेली में देखा। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि सुनैना दीदी अगर इस हवेली में आई और सिर्फ तुमने देखा, ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूर किसी और ने भी देखा होगा उन्हें। अगर कल तक तुम ये साबित नहीं कर पाई तो तुम सजा के लिए तैयार रहना। सजा होगी तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। और तुम्हारी सवेली से विदाई हमेशा के लिए। नमस्ते, मैं चुनरी। हमारी आगे की कहानी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और देखिए हमारा शो दहेज दासी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ नज़ारा टीवी पर।